गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके लिए चैप्टर वन कंप्यूटर लैंग्वेज है। आपका फर्स्ट वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, तो फर्स्ट लेसन आपका है या चैप्टर है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होता है, आप बहुत ही आसानी से समझते होंगे कि लैंग्वेज एक भाषा होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग भाषा का यूज करते हैं, यानी लैंग्वेज का यूज करते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, अपने नजरियों को रखने के लिए दूसरे के पास, उसी तरह से कंप्यूटर भी लैंग्वेज पे वर्क करता है, ठीक है। अब बात समझिए कि लैंग्वेज होता क्या है। तो लैंग्वेज देखिए क्या है, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यू एंड फीलिंग्स। हमारे नजरिया यानी हमारे विचार को बताने का एक क्या है, माध्यम। लैंग्वेज क्या होता है, हमारे नजरिया हमारे विचार को बताने का एक माध्यम होता है। तो हम बहुत तरह की हमारे देश में लैंग्वेज है, तो उसी तरह से कंप्यूटर भी एक लैंग्वेज पे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्लियर लिखा है, कंप्यूटर वर्क्स ऑन स्पेसिफिक लैंग्वेज। कंप्यूटर भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे क्या करता है, वर्क करता है। वो लैंग्वेज होता है बाइनरी लैंग्वेज, यानी हमेशा कंप्यूटर अगर हम कुछ भी कंप्यूटर में डाल देंगे, किसी भी लैंग्वेज में डाले, या हिंदी में डाले या इंग्लिश में डाले या मैथमेटिकल टर्म में डाले, कंप्यूटर उसको किस लैंग्वेज में समझेगा, बाइनरी लैंग्वेज में ही समझेगा, यानी बाइनरी फॉर्म में ही समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर को तैयार उसी लैंग्वेज के रूप में किया गया है। इसलिए वो आपकी लैंग्वेज को न समझ के किस फॉर्म को समझ रहा है, बाइनरी फॉर्म को। इसलिए कहा गया कंप्यूटर वर्क्स ऑन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज। आप अगर फोर डालिएगा तो फोर को वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर, यानी बाइनरी फॉर्म में। फोर का जो भी बाइनरी फॉर्म, बाइनरी लैंग्वेज दो ही रूप में तैयार होता है, जीरो और वन के रूप में तैयार होता है, वन उस रूप में उसको क्या कर देगा, कन्वर्शन कर देगा, यानी कन्वर्ट कर देगा। तो यानी आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन स्पेसिफिक लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, तो एक माध्यम होता है हमारे व्यू और फीलिंग को बताने का, एक्सप्रेस करने का, ठीक है। अब समझते हैं प्रोग्राम। एक प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सेट मतलब संग्रह होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब दिशा निर्देश का, विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ठीक है, जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, ठीक है। एक प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, होता है विच टेल्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को कहता है व्हाट टू डू, क्या करते हैं वो, आपको क्या करना है। यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है, प्रोग्राम करता है। ये सीधी सीधी सी बात आप समझिए कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का काम कौन करता है, प्रोग्राम करता है। अगर उसमें प्रोग्राम ना हो तो वो कंप्यूटर क्या नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा। यानी जो इंस्ट्रक्शन उसको मिलना चाहिए वो इंस्ट्रक्शन उसको मिलेगा नहीं। आपको मैंने हम जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर समझाया होगा तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताया था कि एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। यानी जिस तरह का हार्डवेयर है उस तरह का उसका सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्डवेयर है उसका सॉफ्टवेयर, जैसे सीपीयू, उसके काम क्या है, केवल प्रोसेसिंग करना। जैसे आप समझते हैं कि सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस का वर्क करता है। कीबोर्ड का काम क्या है, इनपुट करना। तो उसको जिस रूप में वर्क करने के लिए बोला गया है वो उसी रूप में वर्क करता है, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग भी उसी तरह से हुआ है। यानी एक प्रोग्राम होता है जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखा है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सभी के काम अलग अलग होते हैं, तो ये बताता है कि आपको क्या वर्क करना है, आपको दिशा निर्देश देता है कि आपको ये वर्क करना है। अब आता है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जो प्रोसेस होता है एक इंस्ट्रक्शन को लिखने का, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में लिखने का, कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखने का, इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। यानी द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी समझ में आने वाला, जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोसेस होता है लिखने का, वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होता है, किसी भी अगर प्रोग्राम को आपको बनाना है तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए सॉफ्टवेयर कोई डेवलप करना है, यानी कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, आपके सामने बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, एमएस ऑफिस होते हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, यूजी ब्राउजर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे ही नहीं बनते हैं, इनको डेवलप किया जाता है।
किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उसको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। तो वही बात यहाँ है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। द पर्सन हु राइट्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामर। और जो पर्सन उस लैंग्वेज को लिखने का काम करता है वो पर्सन क्या कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। क्लियर हो जाइए कि जो पर्सन वो सेटस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखने का काम करता है वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। द पर्सन हु राइट्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामर। यानी वो जो कोड होता है उसको जो लिखने का काम करता है उसको बोला जाता है क्या, प्रोग्रामर। ऐसा पर्सन जो स्पेसिफिक कोड या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को राइट करता है, लिखता है, वही क्या कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। ये बात आपको क्लियर हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में वर्क करता है, वो लैंग्वेज कौन सा है, तो बाइनरी लैंग्वेज है। तो दिन प्रतिदिन जिस तरह से हमारा जनरेशन कंप्यूटर का बढ़ता गया उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज भी क्या होता गया, हाइयर होते गया, यानी लेवल उसका बढ़ता गया। ठीक है, तो देखते हैं कि कंप्यूटर में लैंग्वेज कितने तरह के यूज किए जाते हैं उसके बारे में समझते हैं, कितने टाइप के लैंग्वेज आज के जनरेशन में यूज हो रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाते हैं। लैंग्वेज, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो अलग अलग टाइप के लैंग्वेज यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। आपकी बुक में दिया हुआ है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। यानी है जनरेशन के हिसाब से फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज का था, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज का हुआ, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज का हुआ, और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी 4G जो अभी आने वाला है या हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अलग अलग लैंग्वेज, लेकिन हायर क्लास में जब आप जाइएगा तो दो ही तरह के लैंग्वेज के टाइप्स आपको पढ़ने के मिलेंगे, वो होगा लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। दो ही तरह के आपको टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे, कौन कौन से, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और ये लो लेवल लैंग्वेज में ये दोनों आ जाते हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ये ध्यान रखिएगा, लो लेवल लैंग्वेज में आ जाते हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज यानी दो ही टाइप्स के आपको लैंग्वेज के टाइप मिलेंगे हायर क्लास में, केवल दो। ठीक है, तो आपको टाइप्स मालूम हो गए, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो बात समझिए, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज में दो इंटर तरह के वर्क करते हैं प्रोग्राम, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, केवल आप इतना ही जानिए कि देयर आर बुक के अनुसार जनरेशन वाइज दिया हुआ है किस तरह से इसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ वो पढ़ना था, कि डेवलपमेंट फर्स्ट जनरेशन में हमको यूज करने को मिला क्या मशीन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में सेकंड जनरेशन में हमको मिला असेंबली लैंग्वेज, फोर्थ थर्ड जनरेशन में मिला हाई लेवल लैंग्वेज, और एक हुआ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डेवलप ये टाइप्स जो है वो डेवलपमेंट के बेस पे है, जिस तरह से हमारा कंप्यूटर डेवलप हुआ उस तरह से लैंग्वेज भी डेवलप हुए। और जैसे कि डेवलप, जैसे हम लोग जनरेशन पढ़ते हैं ना कंप्यूटर के, जनरेशन फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, उसी तरह से उस जनरेशन के हिसाब से लैंग्वेज भी क्या हुए, डेवलप हुए। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज चला, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज चला, और थर्ड जनरेशन में अभी होने लगा क्या हाई लेवल लैंग्वेज, और जब हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो अभी चल रहा है उसमें फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज चलने लगा। आपकी क्लियर हो जाइए। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आपको दिए गए थे जो वो जनरेशन बेस पे दिए हुए थे, जनरेशन बेस यानी जिस तरह से डेवलप किया जनरेशन उसी तरह से लैंग्वेज भी क्या हुआ है।